हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छे से हूं और मैं सुमन शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं ट्रेड फेयर प्रगति मैदान, जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो दोस्तों, मेरी मेट्रो आ गई है, तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं ट्रेड फेयर के अंदर। और वहाँ पर ऑनलाइन टिकट हमें लेनी पड़ेगी। तो देखिए, जाते ही हम ट्रेड फेयर उतरे तो यहाँ पर हमें बारकोड वगैरह दे रखे हैं, यहाँ पर ऑनलाइन टिकट हो रही है। तो ये गेट नंबर 10 पे हम उतरे हैं मेट्रो से, जो कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है। तो दोस्तों, ये है हॉल नंबर 12 और इसी से हमने सबसे पहले एंट्री करी, यही सबसे पहला था। तो आखिर था, आप मेरे साथ बने रहिएगा, पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आशा करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो चलिए करते हैं एंजॉय। एकदम ओरिजिनल गारंटी वारंटी वाली मैडम सर्टिफिकेट के साथ दे रहे हैं। ये देखिए, हमारा सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट से, जो अमेज़न मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, वो तो नहीं है, जो अमेज़न मीशो फ्लिपकार्ट में मिलता है ऐसा वाला। इसको मेथी दाना बर्फी बोलते हैं। फोटो ले रहे हो मेरा, अच्छी बात आते हो यार, ब्लॉग में डालोगे। इसके अंदर बेटा जी सिंगाड़े का आटा आएगा, गुड़ आएगा, देसी घी आएगा, ड्राई फ्रूट क्रश किया हुआ आएगा, तिल आएगा, थोड़ा सा तीज का चार देना, तीज का हाँ जी। गुड़ वाली गजक चिकी देख लो मैडम। थैंक यू। ये गारंटी वाले हैं, कितने कितने खाए? 3.5 तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मिल रही है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जिसकी गारंटी है और ये सर्टिफिकेट भी देंगे साथ में, लेकिन बहुत ही कॉस्टली है। इन्होंने इसका प्राइस 2 करोड़ का बताया, 3.5 लाख। बाकी इसमें सभी तरीके की ज्वेलरी, इन्होंने इयररिंग्स और गले के नेकलेस वगैरह सभी रखे हुए हैं। और जो लोग पहनने वाले हैं वो काफ़ी परचेस कर रहे थे, लेकिन मुझे तो कुछ लेना नहीं था, तो मैं खाली सर्वे कर रही थी। काफ़ी अच्छी अच्छी सी वैरायटी थी, बहुत सुंदर सुंदर से पीसेस थे। तो जो लेडीज़ ही पहनती हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे तरह तरह के डिज़ाइन थे, मुझे देखकर अच्छा लगा। दिखाना भैया कैसा है भाई, थोड़ा सा ये दिखा ला, रेड वाला, रेड वाला केरला हलवा, कराची हलवा, ये गुड़ वाला है, अच्छा ये चीनी वाला। भैया मेरे को उसका दिखाना, वो वाला भैया, वो रेड वाला दिखाना, ये वाला। तो दोस्तों, यहाँ पे थी ड्राई फ्रूट्स की भी बहुत सारी वैरायटी, इतनी सारी वैरायटी थी ड्राई फ्रूट्स की, और सब टेस्ट करने के लिए दे रहे थे। तो सभी इंजॉय कर रहे थे, सभी इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे थे, और अच्छे अच्छे से ड्राई फ्रूट्स सब टेस्ट कर रहे थे, सभी चीज़ें टेस्ट कर रहे थे, स्नैक्स वगैरह भी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी। तो सबको घूमने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि खाते पीते इंजॉय करते घूमने का और ही मज़ा होता है। तो हम सब ने बहुत सारी शॉपिंग करी, बहुत सारा घूमा, बहुत सारा इंजॉय किया, और आ रहा था हमें बहुत सारा मज़ा। मसाज देखिए, कितनी अच्छी सी बैक मसाज हो रही है और पैरों की मसाज हो रही है। तो देखिए, उसके बाद हमने देखे गीजर, यहाँ पे 1 लीटर के गीजर आए हैं, जो कि इंस्टेंट गीजर होते हैं, एकदम आप नल में लगाएंगे और पानी को आपको गर्म पानी मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक हॉल के अंदर बहुत सारे यहाँ पे राज्य आए हुए थे, बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारे स्टेट्स के स्टॉल लगे हुए थे। तो देखिए, यहाँ पर जो स्टॉल लगी है, इन पर मिल रही है बहुत ही अच्छी अच्छी सी सीनरी, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो वो 100 और 150 के उस रेंज की थी। और बाकी ये देखिए, उड़ीसा वाले में तो देखिए कितने अच्छे से हमें इस तरीके के आइटम मिल रहे थे, और ये थी महाराष्ट्र की साड़ी, जिसमें सिल्क की साड़ियाँ थी। और फ्रेंड्स, हैंडमेड आइटम तो इतने ज़्यादा थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, ज़्यादातर हैंडमेड आइटम्स थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि यहाँ से ले जाना बहुत दूर पड़ जाता है, हमें यहाँ से ले जाना बड़ा मुश्किल है। अगर हम थोड़े थोड़े भी आइटम खाने पीने के खरीद लेते हैं, तो उससे भी हमारा बैग बहुत भारी हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे से आइटम थे, लोग परचेज़ करने को, बहुत सारे लोग परचेज़ भी कर रहे थे, लेकिन मेरे साथ ऑप्शन ये था कि हम तो आए थे थोड़ी दूर से। तो देखिए, कितनी प्यारी प्यारी सी हैंडमेड चीज़ें मिल रही हैं।
और फ्रेंड्स, अगर आप एक्चुअल में अगर आप ट्रेड फेयर घूम रहे हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 दिन चाहिए अगर आप अच्छी तरीके से इसे पूरा कवर करना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो ये खाली ग्राउंड में ही होता था, अब तो इतने लंबे चौड़े एरिया में बना हुआ है और ऊपर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर उन पे जाके एग्जीबिशन लगती हैं। नीचे तो होता ही होता है लेकिन फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर भी थर्ड फ्लोर पर भी जाके एग्जीबिशन लगी हुई हैं। वाले थे तो हमने यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह डियोज वगैरह सब ट्राई करी, तो और यहीं पर एक कोने में बहुत अच्छी सी माता की मूर्ति बनी थी और एक साइड में ही मतलब एक कॉर्नर में पूजा का सामान मिल रहा था जिसमें कि पूजा के सारे आइटम्स थे और जिसमें धूप बत्ती अगरबत्ती जोत बाती तिलक जो भी चंदन वगैरह जो भी पूजा का सामान होता है वो सब थे। तो मैंने भी यहाँ तिलक लगा रहे थे सबके, तो मैंने भी अपना तिलक लगवाया माता रानी का। तो हम बड़े आगे और यहाँ पे मिल रहे थे फलूदा और मिल्क शेक वगैरह जो कि सब ट्राई करा रहे थे। बहुत ही अच्छा टेस्ट था, बहुत अच्छा फ्लेवर्स थे, बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। पीनट बटर वाले वैपीज है, 50 का 3 है बड़ा पैक, 80 का 2 है। इसमें 3 फ्लेवर है, इसमें भी 3 फ्लेवर है। देखिए सब चीज़ें हैं जूट की बनी है और ये गणेश जी भगवान भी जूट के बना रखे हैं, कितने सुंदर कितने प्यारे। भैया ये कितने का दिया है? ये नागिन रखोगी? और देखिए यहाँ पे थे कोकोपीट के बहुत अच्छे अच्छे से पॉट्स, बहुत अच्छे अच्छे से फ्लावर पॉट्स वगैरह और बहुत अच्छी सी प्लांटिंग इनमें होती है। तो फ्रेंड्स, हर कॉर्नर इतना सुंदर था कि फ़ोटोशूट करने का मन करता था और लेकिन चलना भी इतना ज़्यादा था कि चलते चलते मतलब हालत ख़राब हो जाए। बहुत ही लंबे चौड़े एरिए में हम मतलब सुबह से लेके सुबह 3 बज चुके थे और हम चले जा रहे थे और अभी हम दो ही हॉल्स में गए थे। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी मूर्ति बनी है भगवान की। 100 रुपये का भी 100 रुपये का लगा लो। दोस्तों यहाँ पर थे सारे जूट के ही आइटम, जूट की सारी चीज़ें थी यहाँ पर, सारे मतलब डोरमैट्स वगैरह आप टोकरी वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जूट से बनी और बहुत अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली, टोकरी और हैंडमेड बैग्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स थे। यहाँ रानी कलर है, ब्लैक कलर है। खाली पानी है सुंदर, एक लंबा चौड़ा सा बहुत सारा मैदान और यहीं से सारे होल्स की एंट्री होती है। देखिए अब तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हॉल बहुत दूर दूर बने हैं, तो हम जा रहे थे हॉल नंबर 1 के लिए और काफ़ी दूर चलना पड़ा हमें हॉल नंबर मतलब 14 से, और हम जा रहे थे हॉल नंबर 1 में, काफ़ी दूर चलना पड़ा और यहाँ पे वैसे मतलब हेल्प के लिए वो थी, गाड़ियाँ भी थी जो मतलब किसी को ज़रूरत है वो बैठ के उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो जा सकते हैं। तो ये था हॉल 1 और 2 का रास्ता, तो हम आए थे हॉल 1 और 2 की तरफ, अब हमें जाना था हॉल नंबर 1 में। चलिए चलते हैं हॉल नंबर 1 में। तो देखिए इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे हो रही है डिस्प्ले, तो आप ये देख सकते हैं और ले सकते हैं मजा।
आप बूढ़े हो गए हो। कितने का स्टॉल है भाई? ये कितने के सेट हैं? वो 1000 पड़ेगा मैडम। और ये वाले 500 पूरा सेट, सबका अलग अलग है, ब्रश का है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भविष्य का उद्योग कहने में कोई अतिशयोक्ति thank you.
तो दोस्तों यहाँ पर है म्यूज़िकल फाउंटेन, जो कि म्यूज़िक भी बज रहा है और उसके साथ फारे पानी का जो पानी में एकदम बहुत अच्छी तरीके से डांस हो रहा है म्यूज़िकल इस तरीके से। देखिए म्यूज़िक के साथ पानी की जो फारे चल रही हैं, फाउंटेन्स चल रहे हैं म्यूज़िक के साथ साथ, और ये पानी के फारे बाहर तक आ रही है तो लोग सब बहुत एक्साइटेड हो रहे थे उन्हें देख के, बहुत खुश हो रहे थे और सच में बहुत ही अच्छा नज़ारा था, बहुत सुंदर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों हॉल नंबर 1 हमने घूम लिया था और अब हम आते हैं हॉल नंबर 2 की तरफ, जहाँ के छोटे छोटे से फारे चल रहे थे, बहुत ही सुंदर नज़ारा था, यहाँ पे लोग बैठ के खाना वाना भी खा रहे थे। तो देखिए कितना लंबा चौड़ा मैदान है और इतना अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा सा व्यू है, सबको ये फाउंटेन इतने अच्छे लग रहे थे, इतने सुहाने लग रहे थे, अंदर जाने का किसी का मन ही नहीं कर रहा था और पूरी सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ हर चीज़ का ख्याल रखा गया था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और बहुत लंबे चौड़े मैदान, बहुत दूर दूर कॉलेज बने थे तो सबकी अच्छी सी वॉकिंग हो रही थी और सब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। चलिए चलते हैं हॉल नंबर 2 के अंदर। ये है उड़ीसा का, जिसमें कि यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, बहुत ही सुंदर सा ये टेंपल जैसा बना हुआ है उड़ीसा का, बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है उड़ीसा का, बहुत ही सुंदर आकृति, बहुत सुंदर लाइटिंग, बहुत ही सुंदर सब कुछ बना हुआ है। थोड़ा सा टेस्ट करा दो, क्या चीज़ है ये? अरिशा पीठा है। थोड़ा सा केक दिखाना मैम, कैसा है केक? एक मिनट ना भैया, ये टोकरी कितने का है? 100 रुपया। ये देखो मेरे को, ये वाला देखो, यही दे दो ना 100 रुपए का। ऐसा मत करो, देखो 100 रुपए का दो, कोई बात नहीं दे दो, कोई बात नहीं दे दो, दे दो नहीं 100 लगा दो, वो तो ठीक है लेकिन फिर भी। और कुछ रोटी वोटी रखने के लिए दिखाओ, ये कितने का है? 150 रुपये। 100 का लगाओ उसको भी।
इसका छोटा वाला 100 रुपये, ये 100 रुपये नहीं, उसमें रोटी इतना बड़ा बनता है ना, इतना बड़ा क्यों? आपके पास क्या है? भैया ये क्या था? ऑरेंज मार्बल।
व्हाट इज दिस नॉनसेंस ये नजारा है ट्रेड फेयर प्रगति मैदान का देखिए बंधुओं तो दोस्तों ये था हमारा आखिरी स्टॉल और इसके बाद हम बहुत बुरी तरह थक चुके थे, शाम को 6 बज चुके थे, तो हमने यहाँ से कर लिया ऑटो मेट्रो तक के लिए। लेकिन मतलब बिल्कुल बहुत बुरी तरह थक गए थे, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी चलने की, और मेट्रो वाले भी हमें थोड़े पहले ही उतार दिया। लेकिन अभी हमने देखा कि काफ़ी भीड़ भाड़ है, लोग आ भी रहे हैं, अभी भी एंट्री ले रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो आज बहुत ही ज़्यादा रश था। होप आप सबको भी ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैंने सारी ये चीज़ें इसमें आपके साथ शेयर करी हैं, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।